हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? सो टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर। अर्थ इंटीरियर क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो अर्थ इंटीरियर का कहने का मतलब है कि जो अर्थ के इनसाइड में, अर्थ के अंदर कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं, उसके अंदर कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, उसको समझने की आज हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका एक अर्थ है, ये जो सर्किल है इसको हमने एक अर्थ बनाया, और इस अर्थ के अंदर कई लेयर्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं। तो इन लेयर्स के बारे में जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो लेयर्स हैं वो कई भागों में डिवाइडेड हैं, टाइप्स ऑफ लेयर्स होती हैं अर्थ के अंदर। जो फंडामेंटल डिवाइडेड है जो लेयर्स, उनके नेम हैं, फर्स्ट जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ठीक है, ये ऊपरी लेयर होती है अर्थ की, आउटर, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। ओके, देन सेकेंड लेयर जो होती है उसका नाम है मेंटल। क्या है? मेंटल। दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ विच इज इनसाइड एंड बिलो द क्रस्ट लेयर, जो कि क्रस्ट लेयर के नीचे होती है और उसके नीचे और काफ़ी बड़ी डिस्टेंस में होती है ये लेयर। आगे इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तीसरी जो लेयर है उसका नाम है कोर। ठीक है, तो ये तीन मेन लेयर होती हैं अर्थ, अपने इस प्यारे से अर्थ के अंदर ये तीन तरह की लेयर्स पाई जाती हैं। तो जो क्रस्ट है वो एक लेयर है, और दूसरी लेयर जो मेंटल है इसके दो पार्ट हैं। पहला है अपर मेंटल, अपर मेंटल, और दूसरी लेयर होती है वो होती है लोअर मेंटल। ठीक है, तो दो तरह की लेयर होती हैं, एक होती है अपर लेयर जिसको अपर मेंटल बोलते हैं, और सेकेंड लेयर होती है लोअर मेंटल। ठीक है, तो दो तरह की मेंटल में आती हैं लेयर्स। फिर तीसरा जो कोर है, इसमें भी दो तरह के कोर को इस लेयर को दो लेयर्स में डिवाइड किया गया है। पहला लेयर है आउटर कोर, आउटर कोर, और दूसरा जो लेयर है उसको बोला गया है इनर कोर, इनर कोर। ठीक है, ये बेसिक डिवाइडेशन है, फंडामेंटल डिवाइडेशन है अर्थ का, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, इस इमेज में भी आप देखेंगे तो ये जो सरफेस है, ये अर्थ इस तरह से गोल होती है। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो है आपकी क्रस्ट, देन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ये पूरी ही लेयर को एक मेंटल बोला जाता है लेयर। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, तो इस ये डिवाइडेशन है कोर का, ये डिवाइडेशन है अर्थ का। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड में चलते हैं तो देखते हैं कि क्रस्ट क्या होता है। क्रस्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमने पहले भी बताया आपको कि जो क्रस्ट है वो आउटर मोस्ट लेयर है। कौन सी? आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, जो क्रस्ट है वो एक आउटर मोस्ट लेयर है। ये देखिए, ये जो अर्थ के अंदर का सबसे अंदरी भाग होता है वो कोर होता है, देन उसके ऊपर आउटर कोर होता है, मेंटल होता है, और सबसे ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, और ये इसकी थिकनेस कितनी होती है? ये जो लेयर की जो थिकनेस होती है, ये थिकनेस होती है 8 to 40 किलोमीटर। ओके, तो जो अर्थ में जो आउटर लेयर है जिसका नाम है क्रस्ट, उसमें जो उसकी थिकनेस होती है वो 8 to 40 किलोमीटर होती है।
ये जो लेयर है क्रस्ट जो है, जो आउटर लेयर है, ये ब्रिटिल होती है। आप ब्रिटिल का मतलब समझते हैं कि जो बहुत आसानी से टूट जाती है, ठीक है, फ्लैक्सिबल नहीं होती है। जैसे ग्लास, ग्लास एक ब्रिटिल मटेरियल है, आप जानते हैं जो ग्लास है वो एक ब्रिटिल मटेरियल है, ठीक। अब ये ब्रिटिल मटेरियल का मतलब ये है कि अगर आप ग्लास को गिरा देते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसी तरीके से क्रस्ट जो है वो भी एक ब्रिटिल लेयर है, ठीक है, ये बहुत आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जो क्रस्ट है इसका ये अर्थ में जितना भी वॉल्यूम है तो वो अर्थ के वॉल्यूम का 1% है, 1% ऑफ अर्थ वॉल्यूम, ठीक। क्रस्ट जो है वो अर्थ के वॉल्यूम का केवल 1% है, उतना ही भाग है, 1% भाग ही है केवल, ठीक। और कम से कम अगर हम इसकी ये बात करें कि मास का कितना है, तो मान लीजिए कि अर्थ का मास m है, ठीक है, तो उसका 0.5% ही क्रस्ट का मास है। तो 0.5% ऑफ अर्थ मास, ठीक। तो आउटर लेयर है ये एक ब्रिटिल लेयर है, क्रस्ट एक ब्रिटिल लेयर है, साथ में इसका जो मास परसेंटेज है तो ये है 0.5% ऑफ अर्थ मास एंड 1% ऑफ अर्थ वॉल्यूम। अब जो क्रस्ट है, क्रस्ट एक्चुअल में जो हमारा जो अर्थ है, अर्थ का बाहरी सरफेस है, उसमें कुछ समुद्री एरिया है, मतलब ओशियन है, और कहीं पर कॉन्टिनेंटल है। तो ये जो क्रस्ट है इसकी थिकनेस भी वेरी करती है। अगर हम इसकी ओशियनिक थिकनेस देखें, ओशियनिक थिकनेस जो है वो केवल 5 किलोमीटर के आसपास है, ये अप्रॉक्स है, ठीक है, अप्रॉक्स 5 किलोमीटर जो है थिकनेस है क्रस्ट की समुद्र के अंदर, जो ओशियनिक लेयर होती है, जो थिकनेस होती है, ठीक है। बट अगर हम सरफेस में देखें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें, अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो इसकी जो थिकनेस है वो लगभग 30 किलोमीटर है अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स 30 किलोमीटर। तो ये क्रस्ट का एक बेसिक डाटा है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाई जो क्रस्ट है वो किस मटेरियल से बना हुआ है या उसमें कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं। तो जो क्रस्ट है इसमें एक तो सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक है, या सिलिका पाया जाता है, प्लस एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है। तो जो क्रस्ट है इसमें दो कंपोजिशन है, एक सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का, इसीलिए इसको टर्म दिया गया है सियाल का, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये सियाल ऐसे लिखा रहता है, सियाल, तो ये हो गया आपका सिलिका और ये हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, तो इसको आप याद रखिएगा। और जो क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो 3 ग्राम पर मीटर क्यूब, 3 ग्राम पर मीटर क्यूब इसकी जो है वो डेंसिटी होती है। अब हम बात करते हैं अगर ओवरऑल इस क्रस्ट की, तो आप समझ गए होंगे कि दिस इज़ द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ अ ब्रिटिल मटेरियल, दैट मीन्स क्रस्ट इज़ अ ब्रिटिल कंपोजिशन। ब्रिटिल दैट मीन्स जब आप किसी भी मेटल को अगर गिराते हैं और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसको ब्रिटिल मटेरियल कहते हैं, ठीक है। क्रस्ट का जो वॉल्यूम है, दिस इज द 1% ऑफ अर्थ ओवरऑल अर्थ वॉल्यूम एंड 0.5% ऑफ द अर्थ मास, ओके, एंड इसकी जो थिकनेस है वो 5 किलोमीटर है अप्रॉक्स इन ओशियन, एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की है 30 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो बात करते हैं मेंटल की। तो मेंटल में समझने की ये बात है कि जो क्रस्ट है उसके नीचे का जो भाग होता है, नीचे की जो लेयर है उसको मेंटल बोलते हैं।
ये जो आप देख रहे हैं ये जो लेयर है इमेज में, ये मेंटल की है, ठीक है, मेंटल लेयर है, ठीक है। इसके ऊपर यहां पर क्रस्ट है, ठीक। तो क्रस्ट के जो नीचे की लेयर होती है उसी को मेंटल लेयर बोलते हैं, ठीक है। इट इज द बियॉन्ड द क्रस्ट लेयर, ओके। एंड जो मेंटल है इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी थिकनेस जो है लगभग 2900 किलोमीटर्स होती है, 2900 किलोमीटर्स, जबकि इसकी क्रस्ट की अप्रॉक्स जो है वो लगभग मैक्सिमम 40 किलोमीटर्स होती है, ठीक है। और जबकि मेंटल की है वो थिकनेस जो है वो 2900 किलोमीटर्स है। एंड मेंटल का जो अर्थ वॉल्यूम है, अर्थ के वॉल्यूम का परसेंटेज है वो लगभग 84% ऑफ अर्थ वॉल्यूम है। 84% ऑफ अर्थ वॉल्यूम किसका? मेंटल का वॉल्यूम। और मेंटल का जो मास है वो लगभग 67% ऑफ अर्थ मास, ठीक है। तो अर्थ के जो मास का लगभग 67% जो है वो मेंटल है, और अर्थ के मास का वॉल्यूम का 84% लगभग मेंटल है, ठीक है। और इसमें जो कंपोजिशन है, मेंटल का जो कंपोजिशन है वो है SIMA, सीमा, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीमा बोलते हैं, मतलब सिलिकॉन। SI का मतलब हो गया सिलिकॉन, सिलिकॉन, एंड MA का मतलब हो गया मैग्नीशियम। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अगर कि मेंटल में किस एलिमेंट का कंपोजिशन है, तो वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का कंपोजिशन है, जबकि क्रस्ट में क्या था? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, तभी इसको सियाल बोला जाता है। और जबकि मेंटल का जो है इसमें बोला जाता है सीमा, SIMA, सिलिकॉन एंड मेंटल, ओके। और जो इसका आप डेंसिटी देखेंगे तो मेंटल की डेंसिटी लगभग जो है, डेंसिटी जो है 3.3 से 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये आप जरूर देख रहे होंगे कि इसकी जो डेंसिटी है, मेंटल की जो डेंसिटी है वो क्रस्ट की डेंसिटी से ज़्यादा है, जबकि क्रस्ट सॉलिड है। मेंटल आप आगे देखेंगे तो वो मेंटल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिक्विड भी है, लिक्विड पोर्शन है, बट क्रस्ट लिक्विड नहीं है। फिर भी क्रस्ट की डेंसिटी के नीचे मेंटल आती है और उसकी डेंसिटी क्रस्ट की डेंसिटी से ज़्यादा है। अब जो सॉलिड पार्ट होता है मेंटल का, ठीक है, वो लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है। दैट मीन्स द अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल एंड इंटायर क्रस्ट जो है वो आता है लिथोस्फीयर। मान ये क्रस्ट है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ये जो आता है ये लिथोस्फीयर के अंदर आता है, लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको हम दिखा सकते हैं, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आता है। ये इमेज देख रहे हैं आप यहां पर, तो क्रस्ट ये हो गया लेयर, क्रस्ट की लेयर हो गई इतनी, और उसके बाद ये अपर मेंटल की, और इसी को ही हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, इसी को ही हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं इसकी, तो इसमें एंथनोस्फीयर भी होता है, उसको भी अभी देख लेते हैं। एंथनोस्फीयर वो होता है जो कि बड़ा डक्टाइल होता है, और ये क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, क्रस्ट के नीचे पाया जाता है एंथनोस्फीयर। ये देखिए एंथनोस्फीयर जो है वो क्रस्ट के नीचे वाले भाग में पाया जाता है यहाँ पर, मतलब कि अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में कहीं एंथनोस्फीयर का जो भाग है वो होता है, ठीक है, तो याद रहेगा आपको, ठीक है। अगर हम बात आगे करते हैं मेंटल की,
तो इसमें हम जानते हैं कि इसमें जो है वो मैग्नीशियम और सिलिकॉन पाया जाता है, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, इसीलिए इसको सीमा नाम दिया गया है। किसको? मेंटल के कंपोजिशन को। और जो इसमें मैग्मा भी पाया जाता है, जब भी आप जानते हैं कि अर्थ बहुत जब वाइब्रेट करता है भूकंप की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, कई बार ज्वालामुखी की वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं, तो ज्वालामुखी में क्या होता है कि जो लावा होता है, ठीक है, वो बाहर निकलता है, ठीक है, लावा जो होता है वो बाहर निकलता है, तो उसके बाहर निकलने से लावा ही मैग्मा होता है, दोनों में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, लावा इनर पोर्शन होता है और मैग्मा जो बाहर निकलता है, तो जो मैग्मा है वो मेंटल से ही आकर सरफेस से बाहर निकलता है। ज्वालामुखी में आपने कभी भी देखा होगा वोल्केनो जब इरप्शन होगा तो वो जो मैग्मा निकलता है वो कहीं ना कहीं मेंटल से ही आता है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कोर की, तो कोर क्या होता है? कोर इनर मोस्ट पार्ट होता है, कोर जो होता है आपका वो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, कोर जो है इनर मोस्ट लेयर है, और कोर में जो कंपोजिशन होता है वो उसको बोलते हैं नीफे, NIFE, नीफे, तो NI का मतलब हो गया निकिल, NICKEL, निकिल, ठीक है, और FE का मतलब हो गया आपका आयरन, FE का मतलब है आयरन, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आयरन और निकिल का मिक्सचर होता है कोर के अंतर्गत, कोर के अंदर निकिल और आयरन का मिक्सचर होता है, और कोर का जो वॉल्यूम होता है, जो कोर का वॉल्यूम होता है वो होता है 15% ऑफ अर्थ वॉल्यूम, ठीक है, अर्थ के वॉल्यूम का 15% होता है, और कोर का जो मास होता है, जो कोर का मास होता है वो होता है 32.5% ऑफ अर्थ मास, अर्थ मास, ठीक है, ये आपको याद रहेगा कि जो कोर का वॉल्यूम होता है वो 15% ऑफ अर्थ वॉल्यूम होता है, और कोर का जो मास होता है वो 32.5% ऑफ अर्थ मास होता है। जबकि कोर की अगर हम बात करें तो इसका जो डेंसिटी होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो 9.5 से 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बहुत ज़्यादा होती है डेंसिटी। कहने का मतलब ये है कि जो सबसे कम डेंसिटी होती है वो क्रस्ट की होती है, उसके बाद जो डेंसिटी होती है वो मेंटल की होती है, और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है वो कोर की डेंसिटी होती है। जबकि कोर अंदर से काफ़ी मेल्ट होता है फिर भी इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो कोर जो है उसके अंतर्गत दो कोर होते हैं, एक होता है इनर कोर और एक होता है आउटर कोर। तो जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है, जो कोर होता है कोर आप समझिए कि अभी आपको मैं एक डायग्राम से ये दिखा देता हूँ कोर के बारे में। देखिए ये आउटर कोर है आपका, ठीक है, और ये है आपका इनर कोर। तो आउटर कोर जो होता है ये आपका कह सकते हो कि एक तरीके से कि सॉलिड होता है, और जबकि इनर कोर तो लिक्विड होता है, फिर भी डेंसिटी ज़्यादा होती है। कहीं आपने बहुत जगह पढ़ा होगा आपने अपने 11 12th में कि जो सॉलिड होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती, बट यहाँ पर कई बार आपको उल्टा देखने को मिल जाएगा। उसकी भी वजह है क्योंकि इसके अंदर जो कोर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और इसके अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं जैसे निकिल,
आयरन, ये काफ़ी भारी एलिमेंट होते हैं जिसकी वजह से कोर की जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो हम बात कर रहे थे कि कोर की, तो कोर में अब हमें ये तो पता चल गया कि इसमें निकिल होता है, आयरन होता है। अब निकिल कितने परसेंट होता है? निकिल लगभग 85% होता है, और जो इसमें जो निकिल होता है वो लगभग 10% होता है, और जो आयरन होता है वो 85% होता है, और इसमें एक सिलिकॉन थोड़ा सा पाया जाता है 5%, ऐसा स्टडी में देखा गया है। बट आप याद रखिएगा कि निकिल और आयरन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। निकिल यहाँ पर पाया जाता है 10% और आयरन जो है 85% पाया जाता है। इसी की वजह से ये एक अर्थ जो हमारा है वो मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि आयरन है इसके इनर पार्ट में लगभग 85% आयरन है, और ये आयरन काफ़ी भारी मेटल होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि जो इनर कोर है वो सॉलिड है, आउटर कोर है वो लिक्विड है या सेमी लिक्विड है, एक जैली के फॉर्म की तरह होता है, सेमी लिक्विड का मतलब, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है इसमें। तो जो टेम्परेचर है आप देखेंगे कि सबसे ऊपर मैंने बताया था कि यहाँ पर आपका क्रस्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये लोअर मेंटल है, ठीक है, इसके ऊपर ये अपर मेंटल है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर मैंने बताया आपको आउटर कोर, इनर कोर। तो आप ये देखें कि सरफेस से, अर्थ की सरफेस से नीचे जब हम नीचे आते हैं तो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। पहले जो अपर मेंटल में टेम्परेचर था वो 900 केल्विन था, 1900 केल्विन था, उसके बाद 3000 केल्विन पहुंच जाता है लोअर मेटल के बाद। आउटर कोर का अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो लगभग 5000 केल्विन के आसपास है, 5000 केल्विन, और उसके नीचे अगर आप बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग 7000 केल्विन। इतना टेम्परेचर तो सन का होता है, तो इसका मतलब है कि अर्थ के अंदर भी जो टेम्परेचर है वो सन के अराउंड ही टेम्परेचर है जितना सन का होता है। तो हमने इससे ये तो समझ में आ गया कि जब हम अर्थ के क्रस्ट से जब हम उसके कोर तक जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। पहले जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है 1 degree centigrade एवरी 32 meter पे। अगर आप जमीन के अंदर, जो अर्थ के अंदर अगर 32 मीटर जाते हैं तो टेम्परेचर 1 degree बढ़ जाता है, क्योंकि हम जब भी नीचे जाएंगे प्रेशर की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, और उसके बाद टेम्परेचर तो और बढ़ता है जब हम उस 100 किलोमीटर के नीचे जाते हैं, तो हम एक अलग ही कॉन्सेप्ट देखते हैं कि 12 degree centigrade पर किलोमीटर हो जाता है। मतलब कि 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो 12 degree centigrade टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि 32 मीटर पे 1 degree टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे आप अर्थ के कोर की तरफ जाएंगे, अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे, तो जो टेम्परेचर है वो आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और जो अर्थ का, जो इंटायर अर्थ के जो सेंटर का अगर टेम्परेचर देखेंगे तो लगभग 5000 degree centigrade हो जाता है। मतलब कोर का टेम्परेचर मैं बता रहा हूँ आपका, जो कोर का टेम्परेचर होता है वो लगभग 5000 degree centigrade होता है, और जो अप्रॉक्स जो टेम्परेचर सन का है उसके बराबर होता है। यहाँ पर हमने 7000 जो मैंने बताया था वो केल्विन में बताया था। ठीक है, तो आप अप्रॉक्स समझ लीजिए कि 5000 के अराउंड ही, जो डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड ही टेम्परेचर होता है इसके अंतर्गत। इसके अंदर बहुत, जो कोर है हमारा, कोर के अंदर हैवी मेटल पाए जाते हैं जैसे आयरन, जिसकी वजह से डेंसिटी भी काफ़ी बढ़ी हुई होती है कोर की।
ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगर हम प्रेशर की, तो प्रेशर में क्या वेरिएशन आता है? अगर हम अर्थ के सरफेस से, क्रस्ट से कोर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या प्रेशर बढ़ेगा कि क्या प्रेशर घटेगा, ये जानना जरूरी है। तो प्रेशर जो है वो बढ़ता है जब हम सरफेस से उसके कोर की तरफ जाते हैं। दैट मीन्स हमें पता है कि सबसे ऊपर सरफेस होती है वो क्रस्ट होती है, ठीक है, उसके बाद अपर मेंटल होता है, फिर ट्रांजिशन जोन होता है थोड़ा सा, फिर लोअर मेंटल होता है, फिर आउटर कोर होता है, फिर इनर कोर होता है। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि जब हम सरफेस से कोर, इनर कोर की तरफ जा रहे होते हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं, तो टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ रहा होता है। ये देखिए कि अगर हम आउटर कोर के बात करें, जहां पर आउटर लोअर मेंटल ख़त्म होता है, वहां पर प्रेशर कितना है? 125 जीगा पास्कल। कितने? 129 जीगा पास्कल। और टेम्परेचर कितना है? 125 जीगा पास्कल एट द टेम्परेचर ऑफ 2200 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे ही हम इनर कोर में पहुंचते हैं तो टेम्परेचर कितना हो जाता है? 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, बट एट द दैट टाइम द प्रेशर इज अबाउट 330 जीगा पास्कल। हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर। इसी की वजह से जो कोर है वो सेमी लिक्विड पाया जाता है, सॉलिड भी होता है और सेमी लिक्विड भी होता है। तो वो किस लिए होता है? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जो प्री टेम्परेचर आप देख रहे हैं 5000, और जो बिल्कुल कोर के सेंटर पे अगर हम पहुँच जाते हैं अर्थ के, तो जो प्रेशर है वो लगभग 364 जीगा पास्कल हो गया, और टेम्परेचर इज अबाउट 550 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस टेम्परेचर इज इक्वेलेंट टू टेम्परेचर ऑफ द सन, सन के टेम्परेचर के इक्वेलेंट हो गया। तो ये होता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या टेम्परेचर जो है अर्थ के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? आपका आंसर होगा यस, टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर आपसे बोला जाता है क्या कि प्रेशर, अगर हम सरफेस के अंदर जा रहे हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या प्रेशर बढ़ेगा? तो आपका आंसर होगा यस, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, जबकि आउटर कोर आपका सेमी लिक्विड होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या कारण है कि इतना टेम्परेचर और प्रेशर होने के बावजूद भी जो आउटर कोर है सेंटर का वो सेमी लिक्विड है, ठीक है, सॉलिड नहीं है। तो आप जानते हैं कि बहुत हाई प्रेशर में तो भाई कोई भी चीज़ सॉलिड हो ही नहीं सकती है, वो कहीं ना कहीं लिक्विड होगी। और यहाँ पर जो मेटल पाया जाता है वो तो बहुत ब्रॉड लेवल में आप जानते होंगे, आयरन। आयरन जो है वो कोर में पाया जाता है, जिसकी वजह से अर्थ की एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, नाइन्थ में, कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है। वो इसी वजह से करता है क्योंकि उसके इनर कोर जो कोर है उसमें लगभग 85% जो है वो आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और लगभग 10% आपका निकिल पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, बट वो काउंट नहीं होता क्योंकि अभी उस कोर तक अभी तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। और जो कोर है उसका जो डेंसिटी है वो भी मैंने बता दी कि लगभग 13-14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो जो कोर, अब आपसे बात करी जाती है कि डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। अगर सरफेस से, क्रस्ट से, जो अर्थ का आउटर मोस्ट सरफेस है उससे अगर हम अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो डेंसिटी भी बढ़ती है, ठीक है। आप ये कभी ना सोच लीजिएगा कि कोर में तो सेमी लिक्विड पाया जाता है जबकि क्रस्ट जो है वो सॉलिड है तो क्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी, बिल्कुल नहीं। कोर में लिक्विड है फिर भी कोर की डेंसिटी ज़्यादा है,
उसका एक रीज़न है हैवी मेटल्स और दूसरा रीज़न है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसकी वजह से वो सेमी लिक्विड होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि अर्थ का इंटीरियर क्या है, अर्थ के बारे में समझा कि अर्थ में कौन कौन सी लेयर होती हैं, जैसे मैंने बताया क्रस्ट हो गया, अपर मेंटल हो गया, लोअर मेंटल हो गया, आउटर लेयर हो गई और इनर कोर हो गया, आउटर कोर हो गया। और फिर हमने ये देखा कि हर लेयर में पोजीशन है, कोर में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, निकिल निकिल कहाँ पाया जाता है ये आपको समझना पड़ता है। ठीक है, तो हर लेयर में क्या 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 पाया जाता है, उसकी डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, कैसे प्रेशर वेरी कर रहा है, कैसे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप याद रखिएगा कि कौन कौन सी लेयर होती हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसमें टेम्परेचर प्रेशर और डेंसिटी का क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मेरे इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियो आगे के चाहिए तो आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक में आपका वीडियो मैं बना दूं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।